हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन दाल, मूंग की दाल की सब्जी। जो मूंग की दाल अच्छी लगती है, बच्चे बैगन और दाल नहीं खाते हैं, उनके लिए मैंने बनाई है। पौष्टिक हेल्दी भी रहती है ये। मैंने धो के अच्छे से इसको बैगन के छोटे छोटे स्लाइस काट लिए, धोकर इसको मैंने दाल और बैगन डाल दिए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं पानी, पानी डालू पानी डालूंगी फिर हल्दी पाउडर आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डाल देती हूँ मैं इसमें। फिर मैं इसकी सीटी लगा कर उसका 3-4 सीटी मैंने आने देती हूँ, क्योंकि खड़ी मूंग की दाल है थोड़ा पकने में टाइम लगाती है। तो देखो ये अच्छी सी हो गई अपनी दाल। अब मैंने हरी मिर्ची ली है 3 और 1 प्याज की गाठी ली है, और 5-6 करी लहसुन के लिए उसको पीस के अच्छे पेस्ट बना लिया है। और ऑयल में डाला मैंने जीरा और पेस्ट डाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची डाली जिससे कलर आया है दाल में। फिर गरम मसाला आधी चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर, इसको मैश करके अच्छे से डालूंगी। अब मैंने काट के रखे हैं 3 टमाटर, 3 टमाटर को डाल दूंगी मैं इसमें, अच्छे से मैश करूंगी मैं टमाटरों को। इसको जब मैश हो जाएंगे फिर मैं डालूंगी आधी चम्मच करी हींग, इसमें आधी चम्मच मैंने हींग ली है, इसमें डाल दी है मैंने। इसको भी अच्छे से फेंट दूंगी, मैश कर लूँगी। अब डाल दूँगी दाल, दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई इसलिए मैं पानी गर्म करूँगी। ये डल्लू अलग गर्म गर्म पानी करके नहीं इसमें डालूंगी, तो दाल अच्छी थिक हो जाएगी, दोनों मतलब मिक्स हो जाएगी, ना ज़्यादा गाढ़ी रहेगी ना ज़्यादा पतली रहेगी, और अच्छी से दाल हो जाएगी। ये देखो धनिया पत्ती डाल के मैंने दाल को देखो कितनी अच्छी बनी है। सब बच्चों को भी पसंद आई है, घर में भी पसंद आती है कि बैगन नहीं खाते हैं दाल नहीं खाते, दोनों को मिक्स करके बनाई मैंने सब्जी। और मैंने चावल के साथ डाल दिया, ये देखो सब तरह